कब्रिस्तान जो है वो पुराना है, जिसको जो है ना जाम निज़ामुद्दीन निंदा ने जो है ना समा जो थे उन्होंने जो है ना इस शहर को आबाद किया था और इस कब्रिस्तान की जो बुनियाद रखी थी, और इस जाम निज़ामुद्दीन निंदा जो 1500 जो है ना 15 में जो है ना इसकी बुनियाद रखी थी। इस शहर पे जो है ना ठट्ठा पे जो है ना काफ़ी सारे जो है ना अर्गुन आए थे, उज़्बेक्स आए थे और जो है ना अंग्रेज़ आए थे, और मोहम्मद बिन कासिम भी यहाँ पे आ चुके थे, और पहली मर्तबा जो आए थे वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको कहते हैं सिकंदर आज़म की फौजी ने यहाँ पे आके आराम किया था। और आपको मैं अंदर दिखाता हूँ, ये एक अजीम शान जो है वो मकली का कब्रिस्तान है। देखें मेरे पीछे आपको नज़र भी आ रहा होगा, आपको ये बैकग्राउंड भैया सामने देखें, ये एक बहुत ही पुराना जो है ना वो कब्रिस्तान है। और ये देखें कितना अजीम शान इसकी शाहकार जो है ना उस वक्त जो है ना यहाँ पे बनाया गया था। ये संग मरमर के पत्थर जो है ना यहाँ पे लगे हुए हैं, देखें कितनी पुराने, ये 10 किलोमीटर यानी कि 10 जो है वो फैला हुआ है, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। ये देखें अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, ये इतनी बहुत बड़ी कब्रें हैं, देखें सामने से लेके, ये मकली का आसार कदीमा पे जो है ना वो तकरीबन 2 लाख जो है ना मकबरे जो है ना हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे बुजुर्ग दफन हुए हैं, आलम दीन दफन हुए हैं, और काफ़ी सारे हैं जान बाबा, उसके कुछ पेटे भी हैं, उनकी कब्रें भी हैं, बोते भी हैं। ये शीशा लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, ये काम जो है ना सिंध गवर्नमेंट ने संभाला हुआ है। नाज़रीन देखिए कितना बड़ा कब्रिस्तान है, मैं थक जाऊंगा मगर ये जो है ना घुटने का नाम ही नहीं लेगा। और देखें कितना वसी तरीन कब्रिस्तान, वो सामने देखें, ये वो जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, और सामने देखें वो मकबरा सामने आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, देखिए कब्रिस्तान, ये ईसा खाट का मैंने आपको दिखाया था मज़ार शरीफ, इसका नाम था ईसा खान दोम, और जान बाबा का जो है ना बेटा था, ये जान बाबा का बेटा था, और मिर्ज़ा बेग कितनों तकरीबन 1600 लेके 1200 यानी 1021 में उस लेके 1612 में इसकी वफात हुई थी, ठीक है, और मुग़ल शहनशाह शाहजहाँ के ये गवर्नर थे। तो नाज़रीन ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है दीवान शरफा ख़ान मकबरा है, और दीवान शरफा ख़ान एक यानी कि नवाब थे, और इसकी पैदाइश जो थी वो तकरीबन यानी कि 1048 से लेकर तकरीबन 1638 तक ये नवाब शरफा दीवान जो अरगून, ठीक है, और दिल्ली में इसका जो है ना मकबरा जो है ना वो, और यहाँ पे जो है ना गवर्नर वज़ीर के तौर पर मुकर्रर हुए थे ये, और जो है ना इसकी वफ़ात जो थी ना 1638 में, पैदा हुए थे ये तकरीबन 1600 जो है 8 में, और ये इसकी वफ़ात जो हुई थी 1008 में सॉरी, और ये वफ़ात जो हुई थी इसका 1638 में। ये देखें गवर्नमेंट ने जो है ना यहाँ पे ताला लगाया हुआ है, ये भी इसका मकबरा देखें, तो और भी काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं देख सकते हैं आप यहाँ पे, और यहाँ पे सूफियों की जो जगह है मैं वो भी आपको दिखाना
चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना बुजुर्ग हजरात जो है ना वो दफन हुए हैं, तो उनकी भी कब्रें यहाँ पे हैं, तो उनको भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वो भी उनकी कब्रें कहाँ पे हैं, क्योंकि ये एक लंबा और वसी कब्रिस्तान है। यकीन माने मेरी टांगें थक गई हैं, मगर ये कब्रिस्तान जो है ना वो बस होने का नाम नहीं रहा। तो आपको मैं ये नज़ारे देखते जाएं। ये देखें सारी कब्रें हैं यहाँ पे, देखें वसी तरीन कब्रें हैं। अब ये ठट्ठा जो है वो तकरीबन मकली शहर बन गया है, मतलब मकली जो है ना एक न्यू सिटी जो है ना इन लोगों ने डेवलप किया है, तो वो शहर मैंने देखा नहीं है। ये देखें वो सामने, आप मेरे यार आप लोगों की वजह से मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार, आप मेरे चैनल को जो है ना लाजमी यार सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि मैं आप ही लोगों की वजह से जो है ना क्या कहते हैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, तो यार मेरी मेहनत जो है ना रायगा ना जाए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ कमेंट करें और अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। मैं आप लोगों की वजह से यहाँ पर आया हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चलेंगे आपको मैं और भी मज़ीद जो है ना जगह यानी कि कब्रें मुबारक जो है ना दिखाऊंगा, और एक अजीम शान जो है ना वो जो है वहाँ की यानी कि समा दौर से लेके तकरीबन 1500 यानी कि समा दौर यानी कि जाम निज़ामुद्दीन उनसे लेके तकरीबन जो है ना और भी कब्रें हैं वो भी दिखा चुका हूँ मैं आपको, आगे भी आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ। तो ये देखें मैंने पीछे आपको मैंने ये सारी कब्रें दिखाई थी, अभी आगे चलते हैं, आगे आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखें मैं अभी पैदल चल के आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें